Hotstar.com, विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। करीब 4 साल बाद लालू प्रसाद यादव आज राजद प्रदेश कार्यालय पहुंचे। मौका था 6 टन के लालटेन को प्रज्वलित करने का। लालू वहां पर जमकर बोले। लालू यादव ने कहा कि हमने ही गरीबों को जुबान दिया, उनका अधिकार दिया, उन्हें आम लोगों के साथ जोड़ा। उसी का नतीजा है कि हाशिए के लोग आज बिहार में जागरूक हुए हैं। हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। प्रदेश कार्यालय में 6 टन की लालटेन प्रज्वलित करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने अपने इतिहास से लेकर तेजस्वी के भविष्य तक की चर्चा की। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए लालू ने कहा, उन्होंने अपने कार्यकाल में एक बड़ी आबादी के मुँह में जवान दिया और गरीबों को उसके अधिकार के बारे में जागरूक किया। उसी जागरूकता का प्रतिफल है कि आज समाज के सभी तबके के लोग अहम भूमिका निभा रहे हैं। लालू ने कहा कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने रेलवे को घाटे से उबारा, बिहार के लिए काफ़ी काम किया। लालू ने नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। लालू यादव ने 3 कृषि बिल की वापसी की चर्चा करते हुए कहा कि इसमें किसानों की जीत हुई है, केंद्र सरकार के अहंकार की हार हुई है। मोदी सरकार के MSP की गारंटी के लिए कानून बनना चाहिए, ऐसा नहीं होने पर संघर्ष होगा। लालू ने कहा कि हमने किसी से समझौता नहीं किया, आगे हमारा तेजस्वी भी किसी से समझौता नहीं करेगा। लालू ने कहा कि वो जल्द ही पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और लोगों को सरकार की कारगुजारी के बारे में बताएंगे। लालू यादव से पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। जदयू के 15 बेमिसाल बेमिसाल के नारे की चर्चा करते हुए तेजस्वी ने कहा कि नीतीश के कार्यकाल में बेमिसाल क्या है, उनके कार्यकाल में पुलिस जज को पीट रही है, महंगाई चरम पर है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, क्या यही बेमिसाल है? इसके बावजूद नीतीश सरकार और जदयू उत्सव मना रहा है। तेजस्वी ने कहा कि अंतिम पायदान पर रहने वालों के साथ लालू जी और उनकी पार्टी हमेशा रही है। देश और बिहार में तानाशाही का दौर जारी है, बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन गया है, गरीबी महंगाई और अपराध का खराब बढ़ा है, नीति आयोग ने भी बिहार को फिसड्डी बताया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि राजद सबके बारे में लगातार चिंतित है, बिहार के हर क्षेत्र के लोगों के साथ राजद खड़ा है, हम जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। और क्या सब कुछ लालू यादव ने कहा, आइए हम देखते हैं इस वीडियो में। हर गरीब परिवार को आज सब गरीब आदमी एकजुट है, किसी के अकाल में नहीं है, एकजुट होकर के सत्ता पर एक दूसरे को आने का हमें क्या था। तेजस्वी यादव ने इतना मेहनत किया, आप लोगों ने मेहनत किया, यही चाहता है ना। 75 MLA है ना, 75 विधायक जीते, बाकी को हरा दिया, तो हारे हुए लोग जो है आने वाले दिन में हम लोग सभी सीटों पर हम लोग जीतेंगे। हम किसी से शुरू से अभी तक समझौता नहीं किया, बोल रहा हूँ नहीं, जब मुझे अवसर मिला एक मंत्री वाले का रेल को राष्ट्रीय स्तर पर हमने रेल को खड़ा किया, भारत से लेकर NCR सब जगह के लोग आए पढ़ने वाले बताया कि घाटा का सौदा वाला रेल कैसे मुनाफा में आप मैंने बताया कि रेल भारतीय रेल जर्सी का वो है, इसको जितना धोइएगा पोछिएगा साफ सुथरा रखिएगा
प्रथम से अलग रखिएगा तो आपको पूरा दूध देता है। 90,000 करोड़ का सरप्लस माननीय मैं दिया, डिविडेंड ले लिया भारत सरकार का, मुनाफा भी हम देते हैं उसी दिन से कर्मचारियों को और लोग को मालूम नहीं है ये मढ़ौरा का रेलवे का जो बिहार में कारखाना है डीजल बनाने का वो मैं दरियापुर सारण में चक्का बनाने का कारखाना मधेपुरा में और इंटीरियर इलाका में मैंने बिजली का इंजन बनाने का सौगात किया था। महिलाएं जो दबी रहती है मैं दीक्षा के होना चाहती सब खाली बिराता था आगे से जहां भी मिट्टी मसला हो बोला के हमारी बहनों को मसान को कुर्सी पर बैठाए। आज जो तानाशाह दौर पूरे देश में जो चल रहा है बिहार में जो चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। जो भी सत्ता के खिलाफ बोलेगा उंगली उठाएगा उस पर किस प्रकार का षड्यंत्र रच करके लोग दबाने की कोशिश करते हैं कुचलने की कोशिश करते हैं उस आवाज को ये किसी से छुपा नहीं। चाहे कोई भी अलग अलग क्षेत्र सिर्फ राजनीति ने कला का क्षेत्र पत्रकारिता या अलग अलग क्षेत्र हो कोई भी इस तानाशाह सरकार के खिलाफ बोलता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। इस देश का संविधान लोकतंत्र खतरे में और हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि देश के संविधान और लोकतंत्र को हम लोग बचाने का काम किसानों को न्याय दिला मजदूरों को न्याय दिला नौजवानों को न्याय दिला। आज देखिए बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है जाता है पलायन करता है शिक्षा के लिए बाहर जाता है इलाज के लिए बाहर जाता है रोजी रोटी के लिए बाहर जाता है कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं होती। लगातार राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जो कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया और हमें खुशी है पत्र है कि हमारे प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।